हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है स्वायरा नरूला एंड फैमिली। स्वायरा हमें पता नहीं कहाँ है, मासी की शादी भी आई है, इधर कभी उधर, तो व्लॉग हम ही शूट कर रहे हैं। स्वायरा तो आपको बस रेडी मिलेगी या फिर एंजॉय करती हुई मिलेगी। तो रात को हमारा जो एंगेजमेंट का फंक्शन था वो बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत एंजॉय किया। और हम पता कितने बजे सोए, सुबह के 4 बजे। अभी हम उठे हैं और बात भी नहीं किया है, बहुत लेट हो गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम बैठ चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं कि आज खाने में, मतलब ब्रेकफास्ट में क्या है। नाश्ते में आज हम खा रहे हैं प्लेन परांठा विद कर्ड एंड पुदीने की चटनी, क्योंकि कल हमने आलू के नान खाए थे, राइट। और आज हम सिंपल खाना खा रहे हैं। ब्रेकफास्ट करके रेडी होकर हम आ चुके हैं पार्क में, जो कि घर के बिल्कुल सामने है। और अच्छी धूप थी इसीलिए हमने सोचा कि पार्क में चलते हैं, थोड़ी धूप सेंकते हैं, बातें करते हैं। और स्वायरा यहाँ पे झूले ले रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो स्वायरा स्विंग्स एंजॉय करती हुई। हेलो, मजा आ रहा है आपको? यस। घर के सामने ही पार्क मिल गया ना? यस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी, तो मैंने ले ली है स्ट्रॉबेरी कप आइसक्रीम का। हाँ, गर्मी हो रही है। जैकेट तो आपने पहनी हुई है? मैंने वो सही पहन ली, पापा ने पहनी है मेरे को। धूप में बैठ बैठ के गर्मी लगने लगी ना आपको? यस। कैसी है? टेस्टी। यूट्यूब फैमिली। आप खाओ। फ्रेंड्स, अभी हो चुका है लंच टाइम और आज मैंने बनवाया है अपना फेवरेट खाना, साउथ इंडियन खाना। पता है आपको क्या है? दाल चावल। तो चावल तो साउथ इंडियन के फेवरेट होते हैं। और तो दाल भी होती है? यस, दाल भी होती है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी दाल आज यहाँ पर बनी है। हाँ, ये है राइस और यहाँ पे है दाल। ये दाल तड़का है स्वायरा, दाल तड़का खा लोगे ना? दाल मखनी। दाल मखनी रात को बनेगी। ओके। आज फंक्शन कौन सा रात को? जैसे कि होता है लेडी संगीत, तो यहाँ पर है जागो। हाँ, लेडी संगीत अलग होता है, जागो अलग होती है। yes. जैसे घड़ोली होती है ना, वैसे जागो होती है। yes. तो आज हम फिर से एंजॉय करेंगे। yes, बहुत मजा आएगा। और आप इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। तो चलो लंच करते हैं, दाल चावल खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ओके। ये आ गई है दुल्हन होने वाली। सिर्फ एक दिन बचा है, चली जाएगी बेचारी। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है शाम और शाम को गाना बांधने की रस्म स्टार्ट होने जा रही है। स्वायरा की मौसी को गाना बांध देंगे, उसके बाद वो बाहर नहीं निकल सकती है जब तक शादी नहीं हो जाती। और चक्की चलाने की रस्म भी हमारे यहाँ पर होती है। तो अंदर सब कुछ रेडी हो चुका है, तो चलो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम पंजाबियों में इस तरह की रस्में कैसे होती हैं। यहाँ पे स्वायरा की गुण मासी बैठ चुकी है और पंडित जी भी बैठे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ बाकी सब भी बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, कुछ ऊपर सोफे पर बैठे हैं। तो पूजा शुरू होने ही वाली है। यहाँ पे स्वायरा की नानी हलवा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पंडित जी ने बोला है, चीनी में पानी डाल दिया है, इधर कढ़ाई गर्म हो रही है और इधर चाय गिरने ही वाली है। पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कर दी है और गुण मासी के हाथ में गाना रख दिया है। पूजा खत्म होने के बाद गाना बांध देंगे, हाथ पे भी और पैर पे भी। गाना बांधने से पहले सभी सुहागने गाने को हाथ लगाती हैं, उसके बाद ही गाना बांधने की रस्म स्टार्ट होती है। तो हम सब ने हाथ लगा दिया है। यहाँ पे पंडित जी गुण मासी के हाथ में गाना बांधते हुए, और देखो कितनी सारी गांठे लगा रहे हैं ताकि मौसा जी से गाना खुले ना और मासी जीत जाए। देखो पंडित जी भी परेशान करने के लिए लगे हुए हैं। बस करो पंडित जी, बस करो। फाइनली अब पैर में गाना बांधा जा रहा है। ये है दाल की खिचड़ी का प्रसाद और पंडित जी देखो प्रसाद गुण मासी को दे रहे हैं थाली में डाल के। और कितना सारा प्रसाद दे दिया है। इसके बाद क्या करते हैं? लड्डू। लड्डू भी शायद इसी प्लेट में रखेंगे, तो देखते हैं कितने लड्डू रखते हैं। 1, 2, 3, ये सारा खाना पड़ेगा गुण मासी को। 4, 5, पंडित जी भी बोल रहे हैं सारा अभी खा ले, कल कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और वो परेशान हो रही है, इतना कैसे खाऊं। तो यहाँ पे स्वायरा की नानी बैठ चुकी है पूजा परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि
जिस लड़की की शादी होती है उसकी बड़ी माँ को भी पूजा परफॉर्म करनी पड़ती है, तो पंडित जी समायरा की नानी यानी कि गुणमासी की बड़ी माँ से पूजा करवाते हुए यहाँ पे गुण की बड़ी मम्मा पानी का मटका भरती हुई, ये हमारे भी एक रस्म होती है, बड़ों के नाम का मटका पानी का भरते हैं और उसमें फूल डालते हैं, ये भी एक पूजा का पाठ है। और अब नानी चला रही हैं चक्की, इसके बाद सभी सुहागने चक्की चलाएंगी, बहनें भाभियाँ। तो पंडित जी ने जो हल्दी यूज़ की थी पूजा के टाइम उसमें पानी डाल दिया है और उसका लेप बनाकर समायरा की नानी ने अपने हाथों पर लगाना है और इसके पंजे लगाने हैं बाहर एंट्री पे। तो चलो चलते हैं बाहर। यहाँ पर मम्मा खिला रही है गुण मासी को प्रसाद हलवे और रोटी का, और यहाँ पर गुण मासी का मूड अभी खराब है क्योंकि शादी है और गुण मासी हमसे दूर चली जाएगी। और अभी हो रही है मम्मा और गुण मासी की फोटो। तो अभी स्टार्ट होने वाला है जागो का प्रोग्राम, तो ये देखिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ये हमारा घर है और आज का फंक्शन है यहाँ पे बाहर गली में। तो टेबल्स चेयर्स लगे हुए हैं, समायरा के पापा गॉसिप्स करते हुए, और अभी हम आपको दिखाते हैं खाने पीने की स्टॉल्स। तो मम्मा कर रही है नानी के कपड़े प्रेस और यहाँ पर आए हैं मेरे गोल्डी मामू। अकेले आए, मामी को नहीं लेकर आए, मामी को नहीं लेकर आए, अकेले ही आ गए। अंदर में डोसा, डोसे के साथ देखो चटनी और साथ में क्या कद्दू की सब्जी। ये कद्दू की सब्जी कद्दू को खानी चाहिए, मतलब कद्दू कुत्ते को। का है वो, यही था वो डबर उबर मुर्गो का डबर। ये तो मिट्टी है, टॉर्च लाइट है नहीं, ये रहा, ये रहा कद्दू, कद्दू कद्दू। चलो आप खाओ, टेस्ट करो, यूट्यूब फैमिली को खिलाओ। ये क्या है, ये कौन से डोसे? तो फ्रेंड्स जागो का प्रोग्राम अभी शुरू होने जा रहा है, आपको साउंड आ रहा होगा कि किस टाइप से रौनक बाहर लगी हुई है। और मैंने और समायरा ने पूरा पंजाबी लुक ले लिया है, नीचे जाकर हम आपको पूरा लुक दिखाएंगे क्योंकि हमारी वेट कर रहे हैं सभी। तो चलो नीचे चलते हैं। तो ये जागो की टीम हमारे पड़ोसियों के घर जाती हुई, तो ये गुण की एंट्री हो चुकी है जागो के साथ और सभी नाचते गाते हुए मस्ती करते हुए।
अभी हम आ गए हैं स्टॉल्स पे, इस मायरा को खाना है डोसा। और यहाँ पे इस मायरा के मामू आ गए हैं टिक्की लेकर, आलू और चने की टिक्की, गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है देखो। और इस मायरा को डोसा खाना है तो इस मायरा के पापा लेकर आ गए हैं इतना बड़ा डोसा। तो आप सारा खा लोगे? यस। पहले वाला तो आपने खाया नहीं क्योंकि उसमें मसाला बहुत ज्यादा था, अब ये है प्लेन डोसा। ओके एंजॉय। तो फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं मेरे पारस मामू, बहुत टाइम के बाद मम्मा और मामू मिल रहे हैं। मामू पापा के पैरों को हाथ लगाते हुए। यहाँ पे भैया बना रहे हैं स्मायरा के लिए गर्मा गर्म पाव भाजी। पाव गर्म कर रहे हैं, भाजी तो ऑलरेडी बनी हुई है, गर्म हो रही है। और ये क्या है? अच्छा, स्मायरा की प्लेट। स्मायरा की प्लेट में भाजी जा चुकी है, पाव अभी गर्म करके भैया डाल रहे हैं। चलो स्मायरा की प्लेट रेडी हो चुकी है, यम्मी लग रहा है देखने में तो, है ना? गर्म है, ध्यान से। फिर गिद्धा डाल ले, नींबू होता ना और मजा आता। ये है सांभर गर्मा गर्म और ये नारियल की चटनी। यहाँ पे भैया बना रहे हैं डोसा, बहुत यमी लग रहा है। और ये भल्ले की प्लेट रेडी हो चुकी है। तो स्मायरा की ये परफॉर्मेंस आपको स्मायरा की इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। स्मायरा नरुला आईडी है, आप जल्दी से फॉलो कीजिए। और जब भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे तो ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग जरूर दीजिए। यहाँ पे गुन मासी अपने पापा के साथ परफॉर्म करती हुई एक इमोशनल सॉन्ग पर, और दोनों देखो कितना इमोशनल हो गए हैं। और फादर डॉटर की जो बॉन्डिंग होती है वो तो आपको पता ही है कि कैसी होती है। अभी हम डिनर के लिए आ गए हैं और ये है सैलेड, और ये अनियन का सैलेड है, वो मिक्स सैलेड था। यहाँ पे है राइस और हम ले लेते हैं प्लेट में थोड़ा सा। सैलेड हमने ऑलरेडी ले लिया है। और यहाँ पे है रायता, लेकिन हम नहीं खाएंगे, गला ख़राब है हमारा। और ये दाल मखनी है, चलो दाल मखनी भी थोड़ी सी ले ही लेते हैं, अच्छी होती है वैसे तो, और गर्मा गर्म तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ क्या है, ये क्या है, पनीर है क्या? हाँ पनीर ही है, ये पनीर की सब्जी है, ये भी हम थोड़ी सी लेंगे टेस्ट करने के लिए। और इधर है मिक्स वेज, ये भी ले लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी होती है, राइस में मिक्स करके खाएंगे इसको और रोटी के साथ भी खाएंगे। तो ये हमने सब्जी भी ले ली है, थोड़ी सी और ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये है मशरूम मटर, और नहीं ये मुझे नहीं खाना, ये भी नहीं लेंगे हम। और चलो रोटी ले लेते हैं, ये तंदूर वाली रोटी है और साथ में नान भी हैं।
और इधर है पापड़ और ये है खीर, मीठे में खीर है। कितनी यमी लग रही है, किसकी फेवरेट है खीर कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलो खीर भी ले ही लेते हैं साथ में, बार बार नहीं आना पड़ेगा इस तरफ। तो हमने बाउल में खीर ले ली है, तो चलो डिनर करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने डिनर कर लिया है, खूब मस्ती की, एंजॉय किया। होप आपको हमारा जागो का फंक्शन और लेडी संगीत का फंक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अभी हम जा रहे हैं चेंज करने और सोने, क्योंकि ये डांस वास तो सारी रात चलता रहेगा। हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके हैं, सुबह फिर शादी है और हल्दी है, फिर से टायर्ड होना है। तो मिलते हैं फिर शादी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।